नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। एक चीज मैं भूल रहा हूं, दोस्तों स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। और आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम लोग चंपावत क्षेत्र के एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो लगभग 50 सालों से वनस्पति और पहाड़ी जड़ी बूटियों से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं और अपना उन्होंने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा लोगों की भलाई में, लोगों के उपचार करने में अपना लगा दिया है और इसी कारण उनको इस क्षेत्र में वैद्य के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं उनके जीवन की और बहुत सारे परोपकार के कार्य हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनके विषय में यह है कि जो हमारे आसपास ऐसे बहुत सारी वनस्पतियां होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं जिनके औषधीय गुणों की हमको जानकारी नहीं होती है, तो उस क्षेत्र में उन्होंने एक बेहतर काम किया है। देश के कई महत्वपूर्ण संस्थानों से उनको लगातार प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया जाता है और अपना उन्होंने एक हर्बल पार्क भी यहाँ पर बना रखा है। तो आइए मिलते हैं इस क्षेत्र के वैद्य जी, श्री लीलाधर जोशी जी से जो वैद्य जी के नाम से प्रसिद्ध है इस जगह, उनसे बात करते हैं और देखते हैं उनकी जिंदगी के महत्वपूर्ण पहलू, किस तरीके से उन्होंने इस कार्य को शुरू किया और कहां तक वो इसमें सफलता हासिल कर चुके हैं और जिस उद्देश्य के साथ, जिस परोपकारिता के उद्देश्य के साथ उन्होंने इस काम को शुरू किया उसमें क्या क्या प्रगति हुई और क्या क्या उन्होंने उसमें उतार चढ़ाव देखे। तो नमस्कार जोशी जी, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। और वैद्य जी, श्री लीलाधर जोशी जी आज हमारे साथ है और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति इस क्षेत्र के और इनके द्वारा किए गए कार्य ऐसे हैं जो बहुत कम लोग चुन पाते हैं और इस मुकाम तक ला पाते हैं जिससे एक बहुत बड़ा क्षेत्र उससे लाभान्वित होता है। तो वैद्य जी, आपका जो मूल गांव है वो कौन सा हुआ? ग्राम सभा पलसो। अच्छा, और निवास आपका ये हिंगला देवी के समीप? पलसो से जुड़ा हुआ है। अच्छा, और मेरे यही रुचि रुझान रहा जी कि जनता का भला करने के लिए जी। काफी टाइम से मेरी रुचि थी, 22 साल की जब मेरी उम्र थी जी जी, उन जड़ी बूटियों के ऊपर मैंने ध्यान किया जी, जो मेरे दादा परदादा करते थे उनको थोड़ा सा सी, फिर उसके बाद परीक्षण खुद ही किया मैंने जी। तो अभी 502 प्रजातियां यहाँ पर लगाई गई हैं, अपने रुझान से मैंने 502 प्रजातियां अवेलेबल है शायद। तो वैद्य जी, आपने ये कौन से साल से शुरू किया था इस क्षेत्र में कार्य? ये सर अब 22 साल का मतलब क्या होता होगा, 2000 क्या होता होगा उस टाइम, मतलब जब आप 22 साल के थे तब से? तब 22 साल की उम्र जब मेरी थी तब से मेरा रुझान था जी, मैं जनता का भला करूं। अभी मैंने जो है इस उम्र तक 2011 तक मैंने 7,14,632 मरीजों का इलाज तो शासन को रिपोर्ट भेजा मैंने। अच्छा, देहरादून शासन को जी। तो वैद्य जी, आप कौन कौन से संस्थानों से आपको आमंत्रण आते हैं प्रशिक्षण के लिए? सरकार ये जो पालनगर यूनिवर्सिटी से हुआ और देखिए आप आपको बता लेगा उनका फोटोग्राफ भी कर लीजिए आप जी। तो इन संस्थानों से मैंने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया उत्तराखंड। ये वैद्य जी ये क्या है? ये देवदार ऑयल है। ये देवदार का तेल? हाँ जी, हाँ जी। जनरल जी देखिए आप, आपके हाथों में लगा रहे हैं जी जी जी। ये यहाँ पर देखिए क्या इसमें सेंटर है क्या जी, जी एक सुगंधित ये इसमें से ऑयल है, सुगंधित ऑयल। तो इससे क्या आपको एलर्जी कोई, आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे? अच्छा, आप 20-50 हजार रूपए खर्च करेंगे तब तो आपको फायदा ना होगा, एक बूंद इसकी काम कर जाती है। देवदार का ऑयल ये आपने यहाँ पे तैयार किया है? हाँ जी। और वैद्य जी, जो अन्य जड़ी बूटियाँ दिख रही है, ये अन्य जड़ी बूटियाँ देखिए आप, ये अभी बेल का जूस आपने पिया ही है जी जी जी, उससे क्या आपको प्रतीत हुआ बेल के जूस से, क्योंकि लीवर की कमियां जो है वो लीवर की कमियों को दूर करने के लिए जो है बेल का जूस बनाया जाता है। बेल जो है इन्फेक्शन जो हमारे घाव बन जाते हैं लीवर में और कई परेशानियां हमको आती हैं उसके लिए बड़ा कारगर है, फायदेमंद है। दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, जा रहा हूँ देखिए ये चूर्ण है, ये चम्मच से निकाला जा रहा है, आप थोड़ा सा आप लेंगे जी। थोड़ा जी आप भी लेंगे तो वो लेने पाएंगे,
ये बन तुलसी बन अजवाइन का चूर्ण बना हुआ है, बन अजवाइन बन तुलसी, ये भी हमारे पुराने से संघर्ष करने के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जड़ी बूटियां हैं। बना तुलसी बना अजवाइन तोमर 250 जड़ी बूटी से बना हुआ ये। अच्छा द्वितीय सर आपको ये अमृत कंजन जो है आपके लीवर में जो कभी घाव या इन्फेक्शन हो जाता है या आपकी दिमागी मेंटली कुछ आपको दिक्कतें आती हैं, रात को नींद आना और बड़ी परेशानियों से आप रात गुजारते हैं, उसके लिए फायदेमंद। अच्छा द्वितीय जो हड्डियों में कभी कभी आपकी हड्डियां इन्फेक्शन हो जाती हैं, आप गिर पड़ते हैं, अचानक मोच आ जाती है, मोच के लिए लहसुन तेल, एलोवेरा तेल, देखिए थोड़ा सा इसमें अंगुली मारिए आप, ये जो है आपको जो मालिश करने के बाद जो है काफी फायदा करता है जी। ऐसे गुलाब का ये जो फूल है ये हमारे जो मानसिक तनाव के लिए होता है या ब्राह्मी है या मानसिक तनाव के लिए गुलाब का फूल जो मौसमी फूल होता है ये हर सीजन में नहीं मिलता, तो इससे क्या होता है मानसिक तनाव जहाँ पर सोच शक्ति स्वतन शक्ति को बढ़ाने के लिए गुलाब का फूल महोदय ये पाषाण वेद है पथरी को पथरी को गिराने के लिए। आंवला जिसको अमृत फल कहा गया है, आंवला जो है आंवला के पेड़ के नीचे 89 तीरथ करने के बाद भी उसको ऐसा लगता है कि हम तीरथ नहीं करें, ये एक टुकड़ा आप लीजिए मुंह में लीजिए और ये आपको फायदेमंद है कि आंवला जो है जीवन साथी हमारा जो है जीवन को बचाने के लिए, मतलब आंवला का जहाँ जहाँ बैठेंगे आप छाया में बैठेंगे 2 घंटे तो 89 तीरथों का धाम बन जाता है। नमन तो ये आप देख सकते हैं कि वैद्य जी ने अपने खुद के प्रयासों से यहाँ की जितनी ये स्थानीय वनस्पतियां हैं जो औषधि गुणों से युक्त है उनसे विभिन्न तरीके के चूर्ण बनाए हैं, पाउडर बनाए हैं, ऑयल बनाया है जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के काम आएगा और उसके साथ साथ बहुत सारे रोग जो है उससे दूर हो सकेंगे। तो अब जो है हम लोग वैद्य जी का जो हर्बल पार्क है जो उन्होंने बना रखा है और बहुत तमाम जो है वहां पे वनस्पतियां उगा रखी है तो उसको देखते हैं और बहुत सारी चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं। हम लोग वैद्य जी के हर्बल पार्क में है और यहाँ पे देखते हैं कि किस किस तरीके के यहाँ पर औषधि गुणों से युक्त वनस्पतियां उगाई गई है। तो वैद्य जी ये आपके हाथ में ये लेमन टी जिसको आप कहते हैं, लेमन टी मार्केट में आपको 10 रुपए का एक ग्लास मिलता है, सादी चाय जी। सादी चाय लेमन टी से क्या होता है किडनियों का जो इन्फेक्शन होता है इन्फेक्शन को रोकने के लिए किडनी का इसका जो महत्व पूर्ण बड़ा भारी कमाल है जी। ये द्वितीय नंबर पर कृष्णा प्रजाति, ये देखिए आपको कृष्णा प्रजाति से आपको लाभ दिखाया जाता है यहाँ पर, ये देखिए क्या सेंट इसमें ऑयल की मात्रा ज्यादा है वो कृष्णा प्रजाति का देखिए ठीक है सर, बहुत सुगंधित। हाँ तो ये है आपका चिरायता। अच्छा चिरायता, चिरायता पौधा, चिरायता इन्फेक्शन क्या डायबिटीज के लिए अल्सर के लिए कैंसर के लिए सारी चीजों के लिए फायदेमंद है। हाँ तो महोदय फिर उसके बाद आपको बी को वज्रदंती दिखाई जा रही है, देखिए रात को चांदनी रात में देखिए रात में भी आपको चमकता हुआ दिखता है यह पौधा, आपको फोकस और लाइट की जरूरत नहीं है, ये जो है बिल्कुल चमकता हुआ पौधा मिलेगा, आप अंधेरी रात में जाइए आपको पौधा मिल जाएगा अंधेरी रात में जी। ये है आपकी ब्राह्मी जो है याददाश्त आपकी कम हो जाती है, कभी कोई दिक्कत आ जाती है, कभी मतलब याददाश्त भूल कर आप बन जाते हैं, उसके लिए फायदेमंद जो है ब्राह्मी का एसेंस आप लेंगे या चूर्ण लीजिए उससे याददाश्त आपकी लौट आएगी ठीक है सर। ये है नागर मोथा। हाँ तो ये कैंसर के लिए जो हमारे यहाँ एलर्जी हो जाती है, कैंसर हो जाता है, कभी कभी गांठे हो जाते हैं, गुठलियां हो जाते हैं, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इसका ऑयल जी ठीक है सर। अच्छा दूसरे गिलोय से क्या होता है हमें जो हमारी आत्मशक्ति कम हो जाती है, जैसे कि हमारे पास घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द,
और हमारे पास जो है पाचन शक्ति कम होने के लिए बढ़ाने के लिए जो है एक किलो है। देखिए देखिए वो पान के जैसे पत्ते निकले होंगे और शानदार। ये है गंजार माना जिसकी 50 किलो से 50 किलो तक की गांठ होती है, उससे 5 स्टारों में भी यूज किया जाता है। लीवर संबंधी रोगों को खत्म करने के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए ये गंजार का काम है जी। ठीक है सर, ये पाषाण भेद पत्थरी को मीन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पाषाण। अच्छा, पाषाण भेद जी। पाषाण भेद जी। अश्वगंधा, अरे आगे दिखाया जी, ये अश्वगंधा, ये अश्वगंधा, अश्वगंधा इसके पत्ते आप देखा आपने प्रोजेक्ट बनने में, प्रोजेक्ट में जो है काफी रोड साइड प्लांटेशन भी लगाए जा रहे हैं जी। और अभी जो है पूरा इंडिया में ये प्लांट पास हो चुका है जी जी, अश्वगंधा और सर्वगंधा जी। लेकिन जो है इनका एक पत्ता भी आप यूज करेंगे रोज का, ये आपको बहुत ही फायदेमंद है जी। सर्वगंधा, सर्वगंधा जो मानसिक तनाव होता है, रात में ऐसे थूकता है या कुछ बोलता है, बौखलाता है जी, उसके लिए फायदेमंद। इसके जड़ का उपयोग किया जाता है। अच्छा, इसकी जड़ उपयोग में लाई जाती है। जड़ का उपयोग, पत्तों का नहीं, फूल का नहीं है, और जड़ का उपयोग जी। हाँ, पिपरमेंट जो है ओरिजिनल पिपरमेंट पंतनगर वाला, देखिए इसमें सुगंधित मजा आ गया आपको। दर्द माथे में दर्द हो या सीने का दर्द हो या कमर में दर्द हो, उसके लिए इसका एसेंस जो है मालिश करिए आप, आपको क्या फायदा मिलता है। रात को बिस्तर में आपके मच्छर भी नहीं आएंगे, इसका इतना फायदेमंद चीज है जी। ये है मेंटा पिपरमेंट ओरिजिनल, ये कुमाऊं मंडल में इसकी एसेंस ज्यादा, इसकी सेंट बढ़ जाती है, और गर्मी इलाकों में इसकी जो सेंट होती है वो हट जाती है, कम होती है जी। और यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में, हिमालय दर्शनी क्षेत्र में बहुत ही फायदेमंद होता है जी। इसके लिए अल्सर के लिए, कैंसर तक का रोग खत्म करने के लिए आपका ये नीलकंठ, नीलकंठ देखिए कितना मीठा होता है, आपको पता नहीं होगा, थोड़ा सा बताइए आप। गंदी जगह नहीं है, साफ जगह है, शुद्ध जगह है, अभी तो गई सॉली, अरे मजा आएगा यार जी। ये जो कानों में कंठी डालते हैं, पहले लड़कियां डालती थी, आजकल जो है बहुत ही शानदार इसका जो है महत्व है, इसका जो शानदार बनाया जाता है। हाँ, जो शानदार नजर है जुकाम के लिए, वो पैकेट में मार्केट में हम 20-30 रुपए कुछ मिलता है। तो इसको पीने का तरीका, पीने का काढ़ा बनाएंगे, काढ़ा पी लीजिए मतलब ठीक हो जाता है। ठीक है सर, कनैल माना थकैल, चुनाव कुमाऊनी भाषा में थकैल कहा जाता है, वैसे ये कनैल, कनैल में बना दूध कच्चा नहीं होता है, बच्चे के पास गाय के पास जो है बसा जब हो जाता है उसका दूध नहीं फूट पाता है, दूध नहीं निकल पाता है। दूध को बढ़ावा देने के लिए, पैदा करने के लिए इसमें ग्लूकोज, इंसुलिन सब चीजें इसमें मात्रा होती है, इसकी जड़ का उपयोग किया जाता है महोदय जी। अच्छा, ये द्वितीय ग्लूकोज नहीं, फिर दिखाते हैं पूरा प्रयोग का निकल आएगा जी। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज आओ पेचिस होता है, हमको दिक्कत आती है, कई परेशानी आती है, कई जो हम मार्केट से दवाइयाँ लाते हैं, पपीता खाते हैं, दूसरी चीज खाते हैं, उससे हमें फायदा नहीं होता। ये ग्लूकोज की भूसी बना लीजिए, भूसी बनाने के बाद ही आपको, ये पहाड़ों बुनियादों में बहुत सारा हो रहा है यहाँ पर, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ चाय पत्ती, गठियाबाद, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, इसको खत्म करने के लिए ऋषि पास का सब्जी का उपयोग किया जाए, या इसका चूर्ण बना के शहद के संग दिया जाए तो बिछुवास बहुत लाभकारी जी। जी सिन्न बोया जी, इसे डरते हैं ना सब लोग, हाथ लगा नहीं सकते। ये जंगली पालक जंगली पालक का मतलब ये होता है हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद इसकी सब्जी। ये छोटी छोटी कलियों को बनाइए आप, ऐसे आपने पत्ते तोड़े, आपने दाल में डाल दिए पत्ते तोड़ के, हाँ ये दाल में। अच्छा, वैसे ही आप रोज चूर्ण बना के नहीं खा सकते हैं, आप दाल में उसको यूज कर सकते हैं जी, बहुत ही फायदेमंद है हार्ट का पेशेंट के लिए, बहुत ही फायदेमंद है जंगली पालक। इसकी जड़ होती है मूली की तरह, इतनी मोटी गांठ होती है नीचे, और उसको या तो एसेंस बना के, एसेंस बनाना बड़ा टफ होता है,
ऐसा नहीं बना पाएंगे आप, और चूर्ण भी नहीं बना पाएंगे। चूर्ण बना भी देगा कोई, बना भी देगा मरीज बेचारा, लेकिन ये बहुत ही फायदा हार्ड वाले पेशेंट के लिए, बीपी हाई या हार्ड जी। ठीक है सर, ये है मकोए, मकोए मकोए कान की सड़न को रोकने के लिए, आंखों का झाला रोकने के लिए, ये मको चटकूरा, चटकूरा चटकूरा का मतलब ऐसा होता है, इसकी जड़ का उपयोग किया जाता है, जड़ मूली की तरह होती है। देखिए मैंने आपको दिखाया है, ये देखिए मूली की तरह है जी। एक गाय को जब बुखार हो जाता है वैसे इंसान को बुखार होता है, बुखार को नॉर्मल करने के लिए इसकी जड़ का उपयोग किया जाता है कूट के। अच्छा ये देखिए आप, सेंट देखिए, सेंट होगी शायद जी। तो ये भी वैद्य जी के हर्बल पार्क का ही एक हिस्सा है और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इसमें वैद्य जी के सहयोग से चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के ये पेड़, और हम इस समय वैद्य जी के घर में हैं, ये आप देख सकते हैं। आर्थिक रूप से उतनी बेहतर स्थिति नहीं, लेकिन फिर भी सीमित संसाधनों के बावजूद पूरे मनोयोग से वैद्य जी श्री लीलाधर जोशी जी अपने कार्यों में अहर्निश लगे रहते हैं, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको सहयोग करने की और उनसे मार्गदर्शन लेने की, आशीर्वाद लेने की, ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है जो इन महत्वपूर्ण चीज़ों से वाकिफ नहीं है उनके लिए एक मार्ग प्रशस्त हो सके और इस क्षेत्र के लिए, इस देश के लिए, मानवता के लिए इन महत्वपूर्ण औषधीय गुणों से युक्त जो हमारे आसपास उगने वाली वनस्पति है उनका पता चल सके और उनको संरक्षण दिया जाए। ये हम पहाड़ भारत में हॉल हॉल ना भाई, ये डोलू हुआ, डोलू डोलू जो है जहाँ फ्रैक्चर हो जाता है, जहाँ पे स्थिति खराब हो जाती है, पैर में मोच आ जाती है, उसको फायदा करने डॉक्टर के पास जाते 5,000 रुपए लेता है। अरे भाई हमें इसको जड़ को हल्दी और कच्ची हल्दी और इसकी जड़ को घिस के लगाए तो हमारा पैर ठीक हो जाता है 2 दिन। देखिए रेशे का पेड़ कितना प्यारा है जी, जो गुरुद्वारा में वहाँ पे भी है, कहाँ रीठा साहिब, रीठा है वो। अच्छा, लेकिन शानदार रेट है जी। लेकिन इससे क्या हो, शैम्पू जो हमारे यहाँ रोसियाँ बन जाती हैं और खोपड़ी में ऐसे कंजाते हैं तो उसके बाद जो है पूरा रोसियाँ गिरती हैं थोड़ी ना जी, तो इस प्रकार से जो है ऐसे पौधों का उपयोग करिए जो जड़ी बूटी में भी आए और जो घास पत्ती की काम आए, जो हमें और जिंदगी भर के लिए फायदेमंद हो। तो देख सकते हैं आप, ये बहुत सारे प्रमाण पत्र है और विजिटिंग रजिस्टर है और उसके साथ साथ कई समाचार पत्रों की कटिंग है। इसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वैद्य जी के कार्यों को, उनकी उपलब्धियों को मीडिया के द्वारा भी समय समय पर प्रकाशित किया जाता है, कहाँ कहाँ वैद्य जी ने प्रशिक्षण दिया, कहाँ कहाँ परामर्श देने के लिए गए और कहाँ कहाँ इनको बुलाया जाता है सम्मान देने के लिए। और ये बहुत सारे पंथ, जैसे ये पंतनगर विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र है, उसके साथ साथ हिमालयन इंस्टीट्यूट गोविंद बल्लभ पंथ जो कोसी कटारमल में है वहाँ के प्रमाण पत्र है, उसके बाद लखनऊ के प्रतिष्ठानों के कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर औषधियों से संबंधित कार्य होता है, रिसर्च होती है, वहाँ भी वैद्य जी को प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया जाता है। और बहुत सारे एनजीओ से मिलकर, बहुत सारे सरकारी योजनाओं में इनको जोड़ा जाता है वैद्य जी को, जिससे इनके अनुभव से जो है लोगों को फायदा हो। और ऐसे क्षेत्र जो समृद्ध है पहाड़ के, जहाँ पे बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं जो औषधीय गुणों से युक्त है, उनको जो है थोड़ा सा प्रमोट किया जाए। और ये विजिटिंग रजिस्टर है, यहाँ पर भी जो भी लोग इस क्षेत्र में आते हैं, जो इस क्षेत्र में दिलचस्पी लेते हैं, या जो भी आगे जो एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है हिंगला देवी मंदिर, वहाँ पे जो लोग भी आते हैं तो वो यहाँ पर वैद्य से जरूर मिलते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं और अपने दस्तखत यहाँ पे कर जाते हैं, अपने अनुभवों को इसमें लिखते हैं। तो ऐसे कई वैद्य मेरे सामने है, कम से कम 6-7 रजिस्टर भरे हुए हैं पूरे के पूरे उनके पन्ने, जो ये दर्शाता है कि जो वैद्य का अनुभव है, जो वैद्य का योगदान है वो कितना अतुलनीय है, कितना सराहनीय है। कि हर आदमी धैर्य बनाए रखे, कोरोना रोग इतना बुरा नहीं है, उसके विषैले कीटाणु जो है सर्वनाश उनका होते जा रहा है दिन पर दिन, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, वो जड़ी बूटी हमारे पास जो है अवेलेबल। तो ये थे वैद्य जी श्री लीलाधर जोशी जी, जिनके हर्बल पार्क को आपने देखा, जिनके अनुभवों को आपने देखा, जिनकी उपलब्धियां जिसको हमने समाचार पत्रों के कटिंग के माध्यम से देखा, उनके प्रमाण पत्रों को देखा,
और उनके घर के भी हम लोगों ने आज दर्शन किए और किस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने यहाँ पे बना रखा है विभिन्न पेड़ पौधे का जो औषधीय गुणों से युक्त है और सारी उनकी महत्वपूर्ण वनस्पतियों को हमने यहाँ पे देखा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है वैद्य जी का जो प्रशंसा के योग्य है और हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से इतने सालों से जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया दूसरों की भलाई में, मानवता की भलाई में, उन लोगों को प्रोत्साहन दे, उन लोगों को सहायता दे, चाहे वो आर्थिक है या फिर एक मनोबल बढ़ाने का जो कार्य होता है वो निरंतर उन लोगों को मिलना चाहिए ताकि वो और पूरे मनोयोग से और उत्साह के साथ ऐसे कार्यों को करें। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो जानकारियां है वो अगली जनरेशन को भी जो है पहुंचे, पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहे और अधिक से अधिक संख्या में लोग उसका फायदा उठाए। तो इसी के साथ थैंक यू वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।